个铃铃的滴滴答，滴滴答答答答。नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज आप देख रहे हो हम लोग नेचर में बैठे हैं। खुले बाहर आ गए क्लास से। क्यों आप लोग बता सकते हो मैं क्यों बाहर आई हूँ आज? नहीं ओके आज मैं एक्चुअली मेरे बच्चों को भी और साथ में आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि लय किसे कहते हैं और लय क्या है एक्चुअली। देखिए, थ्योरी बुक में तो हम पढ़ लेते हैं कि गीत वाद्य, बोलो क्या है थ्योरी बुक में? गीत वाद्य नृत्य करने की गति जो समान रूप से चलती है उसे लय कहते हैं। पर गीत वाद्य नृत्य की गति समान रूप से तो चलते हैं, पर उसके अलावा लय और कहीं है कि खाली गीत वाद्य नृत्य में ही है? लय वैसे देखा जाए तो हर कहीं कहीं है, पूरा दुनिया में लय है। मतलब अगर नेचर में आप देखेंगे, पौधा जिस तरह से हिलता है, हवा जिस तरह से, हवा कभी तूफान होता है, कभी स्लो होता है, कभी हवा नहीं होता है, तो उसका भी एक छंद होता है, एक लय होता है, राइट? तो लय नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इट्स छंद। हर एक का छंद अलग होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा एक छंद है, शायद आप बात करो या आप बात करो तो अलग छंद होगा। इवन हम चल के जाते हैं, हर एक का छंद अलग होता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, महाराज जी बोलते थे इंडिया में टेलीफोन झपताल में बजता है, ट्रिंग ट्रिंग दीना दीना ट्रिंग ट्रिंग। ओके, तो ऐसे हर एक चीज का अलग छंद होता है। पर हम आर्टिस्ट लोग जब हम छंद को पकड़ लेते हैं और उसी से काम करते हैं, स्पेशली कथक में इसीलिए बोलते हैं कि आप शुरू करिए, छंद पकड़िए, लय पकड़िए, फिर हम म्यूजिशियन शुरू करेंगे। तो कौन से लय में आप कंफर्टेबल हो वो लय आपको लेना है और शुरू करना है, राइट? तो नॉर्मली जैसे थ्योरी में आप लोग भी पढ़े होंगे, लय हमने थोड़ा सा समझाने के लिए जैसे हमने बोला समान रूप से जो चलता है नृत्य गीत वाद्य करते समय उसे लय कहते हैं। वैसे लय का क्लासिफिकेशन भी किया है, क्या क्या है? तीन प्रकार के लय हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ओके, विलंबित लय किसे कहते हैं? जो बहुत धीमी गति से चलती, स्लो चलती, राइट? मध्य लय किसे कहते हैं? जो ना तो बहुत स्लो हो ना कोई फास्ट हो, जो एकदम नॉर्मल पेस पे, जैसे दोनों के बीच में चलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो देखो क्रिकेट भी आ गया ना, स्लो बॉलर होता है, मीडियम पेस बॉलर होता है, फास्ट बॉलर होता है। सद्रुत लय किसे कहते हैं? जो फास्ट चलता है, जो बहुत फास्ट चलता है, मतलब विलंबित किससे जो थोड़ा जल्दी ज्यादा होता है वो मध्य होता है, उससे भी जो ज्यादा होता है वो द्रुत होता है। और जिस तरह से अभी देखो हम लोग क्रिकेट पे भी पहुंच गए, ये प्रूव होता है। और ये सब बात जब करती हूँ ना तब महाराज जी बहुत ज्यादा याद भी आ जाते हैं। और पूरा दुनिया में लय छंद सब जगह है, अदरवाइज हम रह नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ का ना, इवन कुकिंग का भी, जैसे मैं दिखाती हूँ ना मेरा करछी पूरा 360 डिग्री घूमता है, तो ऐसे हर एक का अलग 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 स्टाइल है। एनीवे, तो ये तो हो गया लय। ये आपको लय अपने पकड़ में लेना है एंड बहुत प्रैक्टिस करना है। अभी हम डांसर्स के लिए हम लोग एक और चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, एक गुण, दो गुण, चौगुण, ऐसे गुण के हिसाब से, राइट? ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को भी पूछना चाहती हूँ कि एक गुण मतलब विलंबित है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो फिर एक गुण किसे कहते हैं? जब हम किसी भी एक, जोर से बोलो थोड़ा, जब भी हम किसी भी एक बोल की बानी को एक मात्रा में एक ही बोल बोलते हैं तो उसे एक गुण कहते हैं। मतलब अगर हम छंद पकड़ लिया, दिस इज माय लय, कोई किसी बीट, तो ये एक बीट में एक बोल बोलेंगे, था ता थई थुन, तो एक बीट में एक बोल बोलेंगे, दैट इज एक गुण। तो जरूरी नहीं कि ये विलंबित हो, बट नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोग बोलते हैं कि एक गुण मतलब विलंबित, दो गुण मतलब मध्य एंड चौगुण मतलब द्रुत। पर अगर मुझे दो गुण चौगुण करना ही नहीं है,
और मुझे धा धिन धिन धा, दिस इज माई स्पीड, मैं ये मेरा लय पे जा रही हूँ, तो दिस इज एक गुण, क्योंकि मैं इसका दो टू टाइम्स एंड फोर टाइम्स थ्री टाइम्स कुछ कर नहीं रही हूँ. बट क्योंकि अगर आपको करना है एक गुण दुगुण चौगुण, तो आपको चौगुण बोलना है. कभी कभी हम पांच गुण आठ गुण सब कुछ बोलते हैं, तो जितना स्पीड ज़्यादा होता है बोलना मुश्किल होता है. इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको और गुण बोलना है तो एक गुण हम स्लो शुरू करते हैं जो विलंबित है. पर इसका मतलब ये नहीं कि एक गुण का मतलब ही विलंबित है, दो गुण का मतलब ही मध्य है, ऐसा नहीं है. ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगता है मोस्टली. तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग ये जो गुण है, एक गुण दुगुण तीन गुण चौगुण, ये किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपका लय पक्का हो. स्पेशली एज अ कथक डांसर आपका लय पक्का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज आप लोग मुझे ऐसा आशा है कि समझ गए, लय पूरा दुनिया में है, छंद जिसमें से हम अपना लय लेते हैं, अपने छंद पे चलते हैं, और फिर जो एक गुण दुगुण चौगुण है वो भी अपने जगह पे मात्रा के हिसाब से होता है. पर अगर हमको फास्ट बोलना है तो हम शुरू स्लो से करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि एक गुण का मतलब ही विलंबित हो. ठीक है, आशा है आप लोग भी समझ गए. कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ और पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के भेजिए. फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. We'll be uploading a new Kathak lesson on this channel every Monday. So subscribe, like, comment, and share our videos and keep learning.